गुरमीत राम रहीम की जान को खतरा है, ऐसा कहना है डेरे के ही एक समर्थक का। साथ ही समर्थक का ये भी कहना है कि रोहतक की सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम पर 3 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की जान को खतरे का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की जान को खतरा बताते हुए डेरा समर्थक डॉक्टर मोहित गुप्ता ने एक याचिका डाली है, जिस पर हाई कोर्ट में जस्टिस अमोल रतन सिंह की कोर्ट में मामले पर सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने सुनारिया जेल के सुपरिटेंडेंट को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि सुनारिया जेल में पिछले 1 साल में कितनी बार गैंग वॉर हुई, 1 साल में कितने मोबाइल और चाकू मिले हैं, क्या किसी हमले में किसी की मौत भी हुई है। कोर्ट ने राम रहीम की मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राम रहीम से भी इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक राम रहीम पर जेल में 3 बार हमला भी हो चुका है। याचिकाकर्ता मोहित गुप्ता के मुताबिक जिस तरह राम रहीम के करीबी महिंदर पाल बिट्टू को नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल में मरवा दिया गया था, उसी तरह जेल में राम रहीम की भी जान को खतरा है। उन्हें मरवाने के लिए साजिशें रची जा रही है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुनारिया जेल में जान का खतरा है, इसको लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है, जिसमें डेरा समर्थक वकील मोहित गुप्ता का कहना है कि पिछले 1 सालों से गुरमीत राम रहीम को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जिस कारण उन्होंने याचिका हाईकोर्ट में लगाई है और कहा है कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से 6 नवंबर को जो है अब इस मामले की अगली तारीख रखी गई है और नोटिस किया गया है सुपरिटेंडेंट सुनारिया जेल के, और कहा है कि 1 साल के अंदर बताएं कितनी वारदातें हुई हैं उस जेल में, गैंग वॉर की हो या फिर अनेक लड़ाइयों की हो। तो अब मामले की सुनवाई जो है 6 नवंबर को होगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन सनम प्रीत के साथ पूजा वर्मा, खबरें अभी तक।